नमस्कार, आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज़। बत्ती बड़ी खबर मिल रही है पन्ना जिले से, जहां पर सायनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सायनगर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गांव की एक लड़की को यह आरोपी जनवरी में शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया रहा और लगातार उस नाबालिग लड़की के साथ यह दुष्कर्म करता रहा, जिसके चलते परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी पुलिस को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। नाबालिका के साथ छेड़छाड़ का आरोप। हाँ, एक गांव की एक नाबालिग लड़की को तिलिया महकमा का राम विशाल चौधरी शादी का झांसा दे करके जनवरी में 17 जनवरी को बहला फुसला करके भगा कर ले गया था। लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट किया था। राम विशाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिनका कोई पता नहीं चल रहा था, लड़के लेकर के भाग गया था। कल 24 जून को लड़की पता चला कि लड़की जो है उसके घर में है। तिलिया महकमा से उसके घर से राम विशाल चौधरी के घर से लड़की को बरामद किया गया और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद से पूछताछ किया गया, बयान लिया गया। तो लड़की ने बताया कि ये लगातार यहाँ से शादी के झांसा देकर जब से भगा ले गया है तो लगातार इसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें प्रकरण में धारा 366, 376 IPC और 5/6 पास्को एक्ट का की धारा बढ़ाई गई। आरोपी फरार था, जिसको काफ़ी मशक्कत के बाद आज 25 जून को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पवई में पेश करके उसे जेल में।